नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस URRC कोर्ट में टली सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। बड़ी खबर, अगले आदेश तक पुराना आदेश रहेगा जारी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बरकरार रखा है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, वाराणसी कोर्ट में टली सुनवाई। केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बरकरार रखा। बड़ी खबर आपको बता दें, अगले आदेश तक पुराना आदेश रहेगा जारी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बरकरार रखा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला कोर्ट में 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ, वाराणसी कोर्ट में टली सुनवाई। केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है और बता दें कि अगले आदेश तक पुराना आदेश रहेगा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बरकरार रखा है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिला कोर्ट में 5 दिसंबर को होगा सुनवाई। बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई, वाराणसी कोर्ट में टली सुनवाई। बता दें कि केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर रखा है और बता दें कि अगले आदेश तक पुराना आदेश रहेगा जारी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बरकरार रख लिया है, अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ फैसले निकल कर सामने आते हैं। तो ज्ञानवापी से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर रखा है, अगले। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आप तो ये जानना चाहेंगे कि ज्ञानवापी मामले को लेकर जो सुनवाई थी वो टल गई है, क्या कुछ अपडेट है? सौरभ, सुनवाई टली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आज बकायदा सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिला है उसे प्रोटेक्टेड रखा जाए, यानी उसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। साथ ही जो वजू खाना सील करने की बात थी वो भी कंटिन्यू रहेगी, यानी जो वजू खाना है वो सील रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को, यानी मई के आदेश को, अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। हिंदू पक्ष को राहत इसलिए है क्योंकि इस बार अंतरिम आदेश में कोई समय सीमा नहीं है। बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का हिंदू पक्ष के लिए राहत। आशीष जी, आप तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये सिलसिलेवार तरीके से सुनवाई हो रही है, अब इसमें लगातार जो है नए इम्प्लीमेंट्स आते हैं, कभी मुस्लिम पक्ष कुछ कहते हैं, फिर हिंदू पक्ष का कुछ कहना है, आखिरकार अब ये मामला कितना और लंबा खींच सकता है? देखिए, ये अगर आप अदालत के बाहर की बातें कर रहे हैं सौरभ, तो अदालत के बाहर कोई भी कुछ बातें कर सकता है, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन अदालत में जो चीजें प्रक्रिया चल रही है, हाँ, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये सिविल डिस्प्यूट है। जब भी कोई जमीनी विवाद जाता है किसी भी अदालत में, चाहे वो निचली अदालत हो या ऊपरी अदालत हो या सर्वोच्च अदालत हो, उसमें समय लगता है। तो अदालत अपने तय समय के हिसाब से पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है। जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं, क्योंकि न्याय सबको मिलना चाहिए, उस हिसाब से एप्लीकेशन का यानी अर्जियों का निस्तारा हो रहा है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। लेकिन चूंकि निचली अदालत में जो सूट दाखिल किया गया है उस पर नियमित सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्दी इस मामले का निपटारा हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस वाराणसी कोर्ट में सुनवाई टल गई है, केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। तो आपको बता दें, अगले आदेश तक पुराना आदेश रहेगा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बरकरार रखा है। जिला कोर्ट में 5 दिसंबर को होगी सुनवाई।